प्रिय विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान 1935 का अधिनियम पर केंद्रित है। इसके दो व्याख्यान पहले हो चुके हैं, यह तीसरा व्याख्यान है। इससे पहले के व्याख्यानों में हमने किया कि क्यों 1935 के अधिनियम की आवश्यकता पड़ी, क्या इसके कारण रहे और क्या इसकी विशेषताएं थी। अब हम कर रहे हैं कि यह जो अधिनियम है, इस अधिनियम के दोष क्या थे, इस अधिनियम में कमियां क्या थी, इस अधिनियम को भारतीय नेताओं ने स्वीकार क्यों नहीं किया, इस अधिनियम की इतनी अधिक आलोचना क्यों हुई, इस अधिनियम में भारतीयों की प्रमुख आपत्तियां जो हैं वो क्या थीं, तो उसके तहत आज हम कर रहे हैं 1935 के अधिनियम में केंद्रीय सरकार की दृष्टि से क्या दोष थे, जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, सेंटर जो गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, उसकी दृष्टि से क्या दोष है। तो उसमें हम सबसे पहले करते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन अखिल भारतीय संघ में दोष। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित ऑल इंडिया फेडरेशन अखिल भारतीय राज्य संघ सर्वथा असंतोषजनक और निराशाप्रद था। इस योजना के अनुसार यद्यपि लिखित संविधान की व्यवस्था की गई, संघ सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया तथा संघ सरकार एवं स्थानीय सरकारों को अपने अपने कार्य क्षेत्रों में स्वतंत्र व सीमित रखने के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई, तथापि अधिनियम के अनुसार स्थापित होने वाला संघ वास्तव में सच्चा संघ नहीं था और दुनिया के अन्य संघों से त्रुटिपूर्ण ढंग से काफ़ी भिन्न था। केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष सर अब्दुल रहीम के शब्दों में, संघीय योजना पूर्णतया अस्वाभाविक, कृत्रिम और किसी भी संविधान में अदृष्ट थी, ये कहा गया। प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ सचमुच में वास्तविक संघ निर्माण के लिए आवश्यक सभी मूलभूत सिद्धांतों और महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं से शून्य था। जीएन जोशी लिखते हैं कि 1935 के अधिनियम की संघ नीति भारत के राजनीतिक विकास का स्वाभाविक और अनिवार्य परिणाम नहीं थी। इसके विपरीत यह ब्रिटिश संसद द्वारा रचित अराजनीतिक यंत्र था, एक टूल था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के कुछ विशेष हितों के संरक्षण के लिए निर्लज्ज स्वेच्छाचारिता और आंशिक प्रजातंत्र का ये एक मतलब विचित्र मिश्रण बनाया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार के जो हित हैं उनकी पूर्ति होती रहे। तो कहा जाना चाहिए कि प्रस्तावित संघ ब्रिटिश हितों के संरक्षण के लिए निर्लज्ज स्वेच्छाचारिता और आंशिक प्रजातंत्र का विचित्र सम्मिश्रण था। इस योजना के मुख्य दोष हम एक एक बार करेंगे। पहला, प्रस्तावित संघ मूल रूप से अपने स्वरूप, संस्कृति और परंपराओं में एक दूसरे से भिन्न, दो या तीन परस्पर असमान इकाइयों का मिश्रण था। ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों में क्षेत्रफलों के महत्व, शासन पद्धति, आबादी आदि की दृष्टि से बहुत असमानता थी।
ब्रिटिश भारत के प्रांतों में कुछ सीमा तक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो गई थी, लोकतांत्रिक सरकार की, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। उनके निवासी संघीय विधानमंडल में निर्वाचित सदस्य भेजने में विश्वास करते थे, उनके विचार प्रगतिशील थे और उन्हें कुछ राजनीतिक व नागरिक अधिकार भी प्राप्त थे, किंतु देशी रियासतों में अभी तक लोकतंत्र का अंकुर प्रस्फुटित नहीं हुआ था और पूर्ण रूप से निरंकुशता का साम्राज्य था, राजाओं का साम्राज्य था। इस प्रकार 1935 का यह प्रस्तावित संघ प्रगतिशील और रूढ़िवादी तत्वों का अद्भुत मेल था। दूसरा दोष, इस संघ की योजना में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को हानि एवं भारतीय राज्यों को अनुचित रियासतों को अनुचित लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। प्राय सभी संघों में छोटी बड़ी इकाइयों को उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व देकर कानूनी समानता स्थापित की जाती है, किंतु 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित संघ में ऐसी कोई समानता स्थापित नहीं की गई थी। यद्यपि आबादी के आधार पर दूसरे सदन में इकाइयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, किंतु देशी रियासतों को ब्रिटिश प्रांतों की तुलना में अधिक स्थान दिए गए। देशी रियासतों की आबादी भारत की कुल आबादी का 23% थी, जबकि उसको संघीय विधान मंडल के निचले सदन में 33.5% और उच्च सदन में 40% स्थान दिए गए। यानी 23% आबादी है और इनको लोअर हाउस के अंदर 33.5% और अपर हाउस में 40%, यानी कि आबादी से कहीं अधिक स्थान दिए गए। इसके अतिरिक्त राज्यों के मनोनीत सदस्यों को ब्रिटिश भारत के निर्वाचित सदस्यों के समान अधिकार दिए गए थे, ताकि वे भारतीय प्रांतों में हस्तक्षेप कर सकें। दूसरी ओर राज्यों के प्रशासन के संबंध में किसी निर्णय के करने में प्रांतों के सदस्यों को बोलने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। अब है तीसरा दोष, इस संघीय योजना में भारतीयों को स्वशासन के पूर्ण अधिकार सौंप देने की चर्चा भी नहीं की गई। केंद्र सरकार ने जनता के प्रतिनिधि मंत्रियों का मुद्रा और विनिमय से कोई संबंध नहीं रखा। विदेशी विषय उनके नियंत्रण से बाहर थे और प्रतिरक्षा है वो रक्षित विषय था। संघीय व्यय का लगभग 80% उनके नियंत्रण से परे था और जो शेष 20% व्यय था वह भी अधिनियम के आरक्षणों और संरक्षणों से घिरा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि चेक्स और लिमिटेशंस, अवरोध और सीमाबंदी इतनी अधिक थी कि उनके कारण राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही रही। इतिहासकार केटी शाह की पुस्तक फेडरल स्ट्रक्चर में उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से बात लिखी है। वो लिखते हैं कि 1935 के संविधान के अंतर्गत संघीय मंत्रियों की स्थिति भारत के लाभार्थ न होकर संघ के शोभार्थ थी और वे मंत्री जिस जनता के प्रतिनिधि थे उसके लिए सहायक नहीं अपितु भार थे। मंत्री उत्तरदायी थे किंतु अधिकारों से हीन थे। वे उच्च पदारूढ़ थे परंतु प्रभुत्व शक्ति से शून्य थे। वे नामवान थे लेकिन प्रभाववान नहीं थे। केटी शाह की
ये जो स्टेटमेंट है ये उस समय की स्थिति को बहुत सुंदर ढंग से हमारे सामने रख देती है। अब है चौथा दोष, क्या था फेडरल सिस्टम का, अखिल भारतीय संघ का। प्रस्तावित संघ भारतीयों को अपनी स्वतंत्र इच्छा के फलस्वरूप नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत पर लादा गया था। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, जबकि भारतीय राज्यों के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। अंग्रेजों ने केंद्र में संघ की स्थापना वास्तव में इसलिए की थी कि देशी रियासतों से गठजोड़ करके प्रगतिशील तत्वों पर रुकावट लगाई जा सके, जो स्वतंत्रता आंदोलन है, जो सुधार की मांगें हो रही हैं, जो लोकतांत्रिक जो ढंग से जो अपनी बातें अपने अधिकार जो चाह रहे हैं उनको जो है बाधित किया जा सके, उन पर रुकावट डाल जाए। क्योंकि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार की इस नीयत को भांप चुकी थी, अतः उसने इस संघ का विरोध किया। पांचवा दोष, प्रस्तावित संघीय योजना इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी कि एक इकाई का अधिकार दूसरी इकाई के अधिकार क्षेत्र से भिन्न था। संघ में सम्मिलित होने से इच्छुक राज्य अपनी इच्छानुसार अपने अधिकार संघीय विधानमंडल को सौंप सकते थे और मनचाहे विषय अपने हाथ में रख सकते थे, जबकि ब्रिटिश भारत के प्रांतों को इस प्रकार की सुविधा नहीं दी गई थी। इस तरह जहां केंद्रीय सरकार की शक्तियां सारे प्रांतों के ऊपर एक समान थीं, वहां प्रत्येक राज्य या रियासत के संबंध में अलग अलग थी। इस प्रकार की असंगत बातें सरकार के किसी भी अन्य संघ में देखने को नहीं मिलती। छठा दोष, 1935 के अधिनियम के अनुसार देसी रियासतों की जनता को अधिकार नहीं दिया गया था। क्या अधिकार नहीं दिया गया था? कि वह संघ में अपने प्रतिनिधियों को चुन कर भेज सके, वोटिंग इलेक्शन, यह अधिकार उनके पास में नहीं था। यह केवल राजाओं को शासकों को दिया गया ताकि वे अपने मनपसंद के अपने विचारधारा के प्रतिनिधि जो ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बने रहें और संघ में जमींदारों तथा अल्पमतों के साथ मिलकर भारत की प्रगति में बाधक बने। स्वयं भारत सचिव सैमुअल हॉर ने ब्रिटिश संसद में बड़े गर्व के साथ में कहा था कि उग्रवादी तत्वों को राजनीतिक शक्ति प्राप्ति से रोकने के लिए हमने प्रत्येक सावधानी बरती है। इतिहासकार कीथ ने भी लिखा है कि भारतीयों की इस बात को मानने से इनकार करना कठिन है कि भारत में संघ इसलिए स्थापित किया गया था ताकि अंग्रेजों को केंद्र में ब्रिटिश भारत के लिए उत्तरदायी सरकार की स्थापना न करनी पड़े। ये अंग्रेज इतिहासकार का स्टेटमेंट। अब सातवां दोष, प्राय जो संघ के जो निचले सदस्य होते हैं दुनिया भर में, निचले सदन का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, किंतु प्रस्तावित संघ में जो संघीय सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रखा गया और उच्च सदन का चुनाव प्रत्यक्ष, अपर हाउस का। यह व्यवस्था वास्तव में लोकतांत्रिक सदन को और अधिक कमजोर बनाने के लिए की गई थी। इतना ही नहीं, लोअर हाउस की शक्तियों पर गवर्नर जनरल और ब्रिटिश संसद की असाधारण शक्तियों की काफ़ी रुकावट थी। ये सातवां दोष था। और सातवें दोष की ही में एक बात हम और करें कि रही सही जो जो कसर है
वो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति एवं अन्य वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की प्रणाली ने ये जो है इस ये जो हाउस है इसको और कमजोर किया। अब है आठवां दोष, संविधान के संशोधन से संबंध धाराएं बड़ी जटिल और कठोर थी। दुनिया में प्राय सभी संविधानों में संसद को आवश्यकता अनुसार संशोधन करने का अधिकार दिया जाता है, जबकि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संविधान में संशोधन का अधिकार केंद्रीय विधान मंडल को नहीं दिया जाकर ब्रिटिश संसद के पास रखा गया। भारत का प्रस्तावित संघ कनाडा या ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र संघ जैसा नहीं था। उनके संघ में बनाए कानूनों के संबंध में ब्रिटिश संसद की स्वीकृति केवल औपचारिक थी, जबकि भारत के राज्य संघ के बनाए हुए कानूनों के संबंध में ब्रिटिश संसदीय स्वीकृति कठोर वास्तविकता थी। ये यानी कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार भी भारतीय विधान मंडलों को नहीं था। नौवा दोष संघीय राज्य व्यवस्था का, प्राय प्रत्येक संघ में अवशिष्ट शक्तियां या तो केंद्र को दी जाती या राज्य को दी जाती है, किंतु 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ऐसा नहीं किया गया। भारत में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल को इस बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होगा कि वह किस अवशिष्ट शक्ति को केंद्रीय विधानमंडल को सौंपता है और किस को प्रांतीय विधानमंडल को सौंपता है। इसका डिसीजन कौन करेगा? इसका डिसीजन गवर्नर जनरल, अंग्रेज अधिकारी है, वो करेगा। ये संघीय व्यवस्था में प्रमुख दोष थे। ऑल इंडिया जो फेडरल वो बनाना चाह रहे थे। निष्कर्ष रूप में हम बात कर सकते हैं, कहा जा सकता है कि प्रस्तावित संघीय योजना अत्यधिक प्रतिक्रियावादी, प्रगति विरोधी और भारतीय राज्यों की तुलना में ब्रिटिश भारत के मौलिक हितों के लिए हानिकारक तथा घातक सिद्ध थी। प्रस्तावित संघीय ढांचा इस तरह का बनाया गया था कि कोई भी वास्तविक प्रगति असंभव हो जाए और अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित शासन पद्धति में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप या परिवर्तन के लिए कोई गुंजाइश न रह जाए। संघ में संरक्षणों और आरक्षणों यानी कि सेफगार्ड्स एंड रिजर्वेशंस की एक असीमित श्रृंखला थी जो लोकतंत्रीय और प्रगतिशील शक्तियों का गला घोंट सकती थी। इन सब दोषों से भारतीय पहले ही परिचित थे, अतः उन्होंने प्रस्तावित संघ का घोर विरोध किया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिखों ने उसके और सभी दलों ने इस संघ को अस्वीकार कर दिया। इतना ही नहीं, देसी रियासतों ने भी संघ में सम्मिलित होने का विशेष इरादा नहीं किया। अतः ब्रिटिश सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया कि 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित संघ प्रपोज्ड फेडरेशन को लागू नहीं किया जाएगा और इस अधिनियम का शेष भाग ही लागू होगा। धन्यवाद। शेष अगले व्याख्यान में।